पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा, भारत खेल में सियासत को घसीट लाया। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से वापस भेज दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत के आगे भी बेबस। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर ज़ैनब अब्बास को भारत से डिपोर्ट किया गया, जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ज़ैनब अब्बास भारत से वापसी के बाद दुबई में मौजूद। इसी हवाले से उबैद खान हमारे मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा, भारत खेल में सियासत को घसीट लाया है। हाँ जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जो वार हैं सियासी तौर पर वो अभी तक जारी दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा भारत जो है वो खेल को भी अब सियासत में घसीट कर लिया है। और ज़राए के मुताबिक आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से वापस भेज दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी भारत के आगे अब जो है वो बेबस दिखाई दे रहा है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि मुबैना तौर पर ज़ैनब अब्बास को भारत से डिपोर्ट किया गया, जिसकी तस्दीक जो है वो तहम नहीं हो सकी। ज़ैनब अब्बास भारत से वापसी के बाद दुबई में जो है ज़राए के मुताबिक मौजूद है, और पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठा जो प्रोपोगंडा है वो बनाया गया था, और जिसमें ज़राए ने यह बताया कि वर्ल्ड कप के दौरान ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में एक वकील ने केस जो था वो दायर किया था, और भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, और ज़ैनब ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए। भारतीय वकील ने यह दावा किया, और भारतीय वकील की जानिब से यह भी कहा गया कि ज़ैनब अब्बास ने 8 साल कबल भारत और भारतीय मजहब के खिलाफ जो थे वो ट्वीट किए थे। तहम ज़ैनब अब्बास मुतअद्दिद इंटरनेशनल सीरीज और इवेंट में बतौर प्रेजेंटर काम करती रही हैं, और जबकि अब भारत की जानिब से जो खेल है उसको भी सियासत में घसीटा जाने लगा है। जी बहुत शुक्रिया उबैद खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले कि पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा, भारत खेल में सियासत को घसीट लाया।